हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज होली की कुछ चीज़ें, एक चीज़ बननी है। पापड़ तो दो तरह के बन गए हैं फिलहाल। और अभी एक चीज़ ये हुआ कि चलो अभी आज बन जाए। और होली का बड़ा कंफ्यूजन थी कि कब है, मैं 28 तारीख समझ रही थी, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो ये 24 को है, मतलब होलिका दहन है। तो नहीं, 24 को, तो अब आज जो है नमक पारे बनने के लिए है। बट सोच रहे हैं कि उसी में कई चीज़ें हैं मेरे पास, कुछ कुकीज़ कटर वगैरह, तो बच्चों को इसे चीज़ें पसंद होती है, तो उस शेप में अगर अच्छे बनेंगे तो वो बना दूंगी मैं। और आज थोड़ी बहुत क्लीनिंग वगैरह, इसी नॉर्मल डस्टिंग वगैरह किया था मैंने। आयान के हेयर कटिंग अभी हुए थे, क्यों, कितने दिन हुए हैं? 10 दिन हो गए। तो देखियो फिर से इतने बड़े हो गए। तो अब जब जाएंगे हम लोग सिया के बर्थडे में, उससे पहले जो है एक बार और कटिंग हो करवा देंगे। तो चलिए आप लोगों से शेयर भी कर देती हूँ। और अभी दिन में ना आफ्टरनून है, लंच वगैरह सबने कर लिया है। मैंने दरिया खाई थी आज अपने लंच में, और मटर की आलू इन लोगों के लिए बनाया था। इन लोगों ने मटर की मस्ती नहीं, मटर की आलू इन लोगों ने जो है खाई है लंच। और यहाँ बनाने से पहले, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें बनानी होती तो खड़े खड़े पैरों में दर्द होता है, तो इसीलिए नीचे जो है इनसे मैंने गैस नीचे रखवा लिया है। और यहाँ सिया ने ना आटे की बोरी निकाला, तो पूरी जो है आटा आटा हर जगह उड़ा हुआ, आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा, तो बहुत ज़्यादा उसने आटा बोरी से जो है ना गिर गया उससे। और यहाँ पर मैं बेल बेल के जो है रख रही हूँ, और ये जो है कट करने का इनका काम है। और वैसे बेलने का काम जल्दी हो जाना है, तो आप भी कट करने में टाइम नहीं लगता है। बच्चों का बहुत मन था इस तरह से, मैं कुकीज़ कटर मैंने मंगवाया था ऑनलाइन, पिछले साल मंगाया था आई थिंक गर्मियों में। इसमें बहुत क्यूट क्यूट से शेप दिए हुए हैं, लाइक हार्ट शेप है, और काफ़ी शेप्स है इसमें हैं, और फूल्स फ्लावर वगैरह हैं, और मिक्की माउस वगैरह दिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छे शेप्स है। तो ज़्यादा नहीं, कुछ मैंने थोड़े से बनाए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो इसे मैंने अलग अलग शेप के जो है ना ये बनाया था, और काफ़ी अच्छे लग रहे थे बच्चों को। और मैंने तला तो बच्चों ने जो है तुरंत उसको फिनिश भी कर दिया, बचाया भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा नहीं बने थे, बिल्कुल थोड़े से बने थे। और फिर उसके बाद मैंने छोटी कढ़ाई, मैंने भी कुछ दिन पहले लिया था मार्केट से, तो मैंने उसमें ऑयल जो है रिफाइंड रख लिया था। रिफाइंड नॉर्मली इसी सब चीज़ों के लिए, तलने के लिए काम आता है, बाकी डेली यूज़ में तो हमारे यहाँ रिफाइंड बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। और ज़्यादातर वैसे सभी लोग रिफाइंड ना ही यूज़ करें ज़्यादा, तो ठीक है, बट ये सब चीज़ें बनाने के लिए तो रिफाइंड की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ कागज़ मैंने वो कर दिया था, क्योंकि टिश्यू कहीं ऐसा ना हो कि उसमें चिपक जाए। तो यहाँ मैंने नमक पारे जो है ना थोड़े से तल भी गए थे, और ये कुछ इतने इतने जो है ना मैं अच्छे से इसमें तल रही थी। और यहाँ पे ये क्यूट से जो शेप मैंने बनाए थे क्वीज कटर से, तो ये वाले इतने इकट्ठा ये इतने ही बने थे सारे, और काफ़ी अच्छे लग रहे थे शेप इसके, बहुत क्यूट से लग रहे थे। तो ये इस तरह से थे ना, ये सारे पूड़ियों की तरह एकदम से फूल आए थे सारे के सारे जितने भी हैं, और काफ़ी अच्छे से थे। और फूलने की वजह से कहीं कम कहीं ज़्यादा ऐसे सिक रहे थे, बट हाँ अच्छे से सेक लिया था इसको मैंने, और बच्चों को काफ़ी पसंद भी आए थे। और यहाँ मैंने सारे नमक पारे जो है ना, काफ़ी टाइम लगा, एंड मेरा जिम जाने का टाइम भी हो गया था 3:30 ऐसे ही। सो बस यहाँ पे ये रेडी हो गया था, रेडी हो गई हूँ जिम जाने के लिए। नींद आ रही, थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ा सा लेटी हूँ मैं, और अभी बज रहा है 4:21। तो बस रेडी हो गई हूँ, ये वाला आउटफिट पहन लिया। तो मुझे बहुत
और आज ही मेरे हैंड की एक्सरसाइज हुई है, सारे जितनी भी एक्सरसाइज है हैंड वाली। एंड आज मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, बट मैंने एक्सरसाइज में कमी नहीं छोड़ी, सारी एक्सरसाइजेस किया है। क्योंकि एकदम से आप बिल्कुल ही रेस्ट ले लेंगे हर चीज़ के लिए तो फिर वो सही नहीं है। आप जितना एक्टिव रहेंगे उतना ही बॉडी के लिए सही होती है, तो इसलिए जिम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, खासकर मेरे लिए। और उसके बाद आ गई थी मैं घर एंड बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो यहाँ बना रही थी मैं चाय, इनका मन था चाय पीने का, मैं चाय नहीं पिया था आकर हम लोगों ने। और आज कौन कौन आ रहा है मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और मैंने कहा चलो पहले चाय पी लेते, तो गरम गरम चाय के साथ नमक पारे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो बहुत अच्छे लग रहे थे नमक पारे। और यहाँ पे आ गए थे बच्चा पार्टी, तो भी आप लोगों को देखने मिलेगा। ये भाई की बेटी है और वो ना काफ़ी टाइम बाद आई है, सो छोटी थी तब आती थी, पर बच्चों को इतना फिर बहुत जल्दी भूल जाते हैं तो याद नहीं था। एंड ये देखिए आयान उसको गोद में उठा के देख रहा है कि मैं उठा पाता हूँ कि नहीं। और सब बच्चा पार्टी, ये देखिए सब जो है, मैंने समोसे वगैरह मंगाए थे, आलू फिंगर है, एंड जो नमक पारे बनाए थे। पर घर की चीज़ें कहाँ आजकल बच्चों को पसंद आती है, तो चीज़ें ये सब जो है इन लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, खाया पिया। और यहाँ अंदर वाले रूम में जो है हम सब बैठे हुए थे, सिस्टर भाई और कृपा, वो सबको मारती है तो जल्दी वहाँ सबके पास नहीं बैठती है, और यहाँ उसको अच्छा लग रहा था। और यहाँ देखिए यहाँ कृपा की मस्ती हो रही है, और इतनी अच्छी हरकतें कर रही थी ना कि मैंने सोचा कि शूट कर लूँ, बट वो इतनी बदमाश है, जब देखी कि कैमरा चालू है तो बस भाग गई वो। मतलब ना फिर वो चीज़ें जो बच्चों की होती है ना, नटखटपना, वो उसने फिर दिखाया ही नहीं। सो एवरीवन, बहुत सारी हम लोगों ने बातें शातें करी और बहुत देर से बात हो रही थी, तो अब भाई सब लोग चले गए हैं। और मेरा डिनर आज सुबह, तो मैंने लंच दलिया खाई थी, बट अभी देखते हैं रात में, सोच रही थी पनीर वगैरह कुछ मंगाऊंगी इनसे। आज मैंने इनकी कुछ खाया नहीं, मेरा आज शाम को भी नॉर्मल चाय और थोड़ा सा वो खाया था मैंने नमक पारे, तो बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा सबको। और बहुत थक गई आज मैं, बहुत ज़्यादा थक गई, क्योंकि आज इतनी चीज़ें बनाई हूँ नहीं, सेकने में सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था आग के पास। और आज यहाँ ना बहुत आंधी सी आई है, इतनी ठंडी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी मौसम ठंडा भी हो गया है।